ये 500 ग्राम बंगला है, इसके मैं आज सब्जी बनाने वाली हूँ। इसके इसके लिए यहाँ पर अच्छा तरह से ऐसे कैसे ऐसे से बना लेती हूँ, देख सकते हो कि किस तरह बन रहा है इस तरह। हाँ। ये जो है ना यहाँ पर छिलका है, ये छिलका इस तरह से छिल कर हटा लेना है दोनों बगल से मुंह, और इसको इस तरह बनाकर इसको उबालने वाली हूँ। तो इस तरह पहले एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फिर मैं एक न्यू रेसिपी के साथ में आई हूँ। तो देख सकते हो बंगला की सब्जी है, हम लोग सब बंगला बोलते हैं, बंगला किरैया, और आप लोग सब बकला की रेसिपी बोलते हो, बकला की सब्जी। तो ये बकला के आलू और बकले की सब्जी मैं बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने अच्छा तरह से उसको काट ली, धो ली, और देख सकते हो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, दोनों मुँह छील कर आलू को भी मैंने छील ली। उबालने के लिए थोड़ा सिर्फ दो सीटी लगाने वाली हूँ। उबालने के लिए मैं इस पर चढ़ा दी गैस में, कुकर में। तो मैंने सिटी लगा दे रही हूँ, आप देख सकते हो इसमें कुछ नहीं डाली हूँ, सिर्फ पानी है और आलू है और कुछ नहीं है। इधर मैंने मसाला को रेडी कर लेती हूँ। तो इस बकला के सब्जी में 4 प्याज अच्छा लगता है, जितना प्याज डालेगा उतना अच्छा लगेगा। तो मैंने 4 प्याज 2 फोरन में डालने वाली हूँ, और 2 प्याज के यहाँ पर जीरा और मिक्सी जार में डाल दी, जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर और दालचीनी, गरम मसाला, ये सब मैंने डालकर तेज पत्ता छोटा, अदरक टुकड़ा 2-4, और ये सब मैं ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छा तरह से। तो अब देख सकते हो मैंने मिक्सी जार पर डाल दी, अब मिक्सी जार में पीसने वाली हूँ, क्योंकि मन नहीं है सिलबट्टे पे पीसने का, थकान थोड़ा ज़्यादा है, बाहर गई थी इसलिए। तो मैंने इधर मसाला मेरा रेडी हो चुका है, इधर देख सकते हो कि 2 हरा मिर्च है, यहाँ पर 2 प्याज कटा हुआ है बारीक, यहाँ पर मैंने मसाला रेडी कर ली, प्याज वाज सब मसाला, सब गरम मसाला सब पीस के, इसमें चॉप चॉप किया हुआ एक वो है टमाटर था, यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। ये बकला भी उसना चुका है, देखिए कितना से का उबल चुका है मस्त। ऐसे ही आप भी बनाइएगा। यहाँ पर आलू भी है, देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा सिटी लग चुका है, तो गाइस उतना नहीं लगाना चाहिए, मैंने लग मुँह से लग गया। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दी, अब इसमें मैंने जो बकला उसना हुआ है फ्राई कर लेती हूँ इसमें डालकर। तो मैंने कढ़ाई में डाल दी इसको, आप देख सकते हो अच्छा तरह से मैंने फ्राई कर लेती हूँ। हम लोग सब बचपन में बहुत खाते थे, मेरा खेत में उपजाता था, जाना वाना सब आकर मेरा घर में दे कर जाता था, मेरा खुद का बाड़ी है, अभी भी ये खेती का है, खेत में से आया है, हम लोग को जाना लेकर आया है दोस्तों। तो मैंने बनाई, मैं बचपन में बहुत खाती थी। तो अब देख सकते हो स्वाद अनुसार नमक और हल्दी मैंने डाल दी, इसको अच्छा तरह से फ्राई कर लेती हूँ। बिना फ्राई किए अब बनाइएगा सब्जी ना तो अच्छा नहीं लगता है, दूसरा लगता है थोड़ा कठिन टाइप का, इसलिए फ्राई करने के बाद थोड़ा टेस्ट इसको बढ़ जाता है। तो मैंने इसको फ्राई कर ली, अब निकाल दी मैंने, तो देख सकते हो मैंने निकाल देती हूँ इसमें। तो मैंने उसी कढ़ाई में देखिए दोस्तों थोड़ा सा लगा हुआ था, मैंने इसको धोई नहीं, उसी में डाल दी आसकत से, आज मेरा मन नहीं है इसीलिए तो उसी में डाल दी। पता नहीं आगे क्या होगा, काला हो जाएगा सब्जी की क्या पड़ेगा जलने के बाद, सॉरी गाइस वही हुआ जो मैं सोची थी। तो जल चुका है जो लगा हुआ था, वो निकाले थे, धोकर एक बार चढ़ाते तो अच्छा होता। तो मैंने जीरा सब जब सॉरी गाइस डाल दी सब सारी कुछ, इसी में मैंने प्याज भी डाल दी, हरा मिर्च भी डाल दी, अब इसको लाल से फ्राई कर लेती हूँ। दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है गाइस कढ़ाई, उसके लिए सॉरी माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि आज मेरा मन उतना नहीं है बनाने का, तब भी मैं बना रही हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जी है, तो इसीलिए जैसे भी मैं बना ली। तो ये लाल भून लेने के बाद इसी में मैं जो मसाला पीस कर रखी हूँ
वो सब डाल देख सकते हो। लाल प्याज भुना चुका है, मसाला पीस कर रखी है, भी डाल दी फिर मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर और गरम मसाला भी पीस कर रखी हूँ, अभी भी थोड़ा सा मैंने वो भी डाल दी ऐसे ही। अब इसको अच्छा तरह से भून लेती हूँ, फिर मैंने मसाला थोड़ा सा भुना चुका है तो टमाटर डालकर स्वाद अनुसार नमक डाल दी थी। नमक पर टमाटर जो है अच्छा से पानी छोड़ने लगता है और अच्छा से गल जाएगा, इसीलिए देखिए अच्छा तरह से गल चुका है टमाटर भी मेरा। तो मैंने इसको भून ली अच्छा तरह से। तो गाइस ये मेरा मसाला भून चुका है, तो जो आलू मैंने उबाल कर रखी हूँ ये आलू को इसी मसाला में फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा देर। फ्राई करने के बाद इसी आलू में मैंने फ्राई करने के बाद ये जो बकला भून कर रखी थी फ्राई कर वो भी डाल दी। अब साथ में दोनों को भूनूंगी अच्छा तरह से। ऐसे बनाकर आप लोग भी खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा दोस्तों। तो बहुत बहुत टेस्टी, चावल के साथ में खाइएगा, रोटी के साथ में खाइएगा, पूरी के सब्जी के साथ में खाइएगा, या खीर वगैरह कुछ भी के साथ में खाइएगा तो इसका सब्जी बहुत टेस्टी लगता है। बच्चा लोग को तो और ज़्यादा पसंद है, पूरे बच्चा बड़े सारे लोग खा सकता है ऐसे सब्जी। तो देखिए बताइए मेरा सब्जी बनकर रेडी हो चुका है, अब बताना कि मेरा सब्जी कैसा बना है। अगर मेरा सब्जी अच्छा लगा हो, आपको देख सकते हो कितना अच्छा से गल चुका है, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, कलर भी उतना ही हरा हरा, बकला का सब्जी हरा हरा आया है दिखने में। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और फिर मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक।